दोस्तों जिस तरीके से प्रभास की आदि पुरुष मूवी में मिट्टी पलीत हुई है, ऐसा उनके साथ उनकी पहली किसी मूवी में भी नहीं हुआ। हालांकि आदि पुरुष मूवी से पहले भी प्रभास की बहुत सारी फिल्में फ्लॉप रही हैं, लेकिन जिस तरीके का रिस्पांस फैंस की तरफ से आदि पुरुष मूवी को मिला, वो सुपरस्टार प्रभास के लिए काफी हार्ट फेल्ट था और उनको काफी बुरा भी लगा और उनको बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आदि पुरुष फिल्म को बनाया गया है तो भैया उसके साथ तो ऐसा होना बनता ही था। लेकिन दोस्तों प्रभास ने ठान लिया है कि अब वो आदि पुरुष के गम के साथ और लंबा रिश्ता नहीं रखेंगे और जल्द से जल्द इस मूवी की नेगेटिव वाइब से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और शायद इसीलिए सुपरस्टार प्रभास ने आदि पुरुष के बाद अपना अगला बड़ा दाव खेल दिया है, जो कि है उनकी मूवी सालार। ये पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के फैंस के लिए एक बेहद खुशी की खबर सामने आई है, और प्रभास के फैंस जो साल की शुरुआत से ही साल नहीं सालार है ट्रेंड करने लगे थे, अब वो अपने फेवरेट स्टार की इस अपकमिंग फिल्म की एक झलक देख सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि मेकर्स ने एक बड़ी घोषणा करते हुए टीजर का डेट और टाइम रिवील कर दिया है, और प्रभास फिल्म सालार का टीजर 6 जुलाई सुबह 5:12 पर जारी कर दिया जाएगा, और इस फिल्म को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। देखिए, सालार इस साल की सबसे मच अवेटेड मूवीज में से एक है, और इसमें सबसे बड़े एक्शन निर्देशक प्रशांत नील और सबसे बड़े एक्शन सुपरस्टार प्रभास पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं। मतलब कि जहां दोस्तों एक्शन का डबल धमाका देखने को मिलेगा, वहीं पर एंटरटेनमेंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। और दोस्तों साथ ही ये भी बताया जा रहा है, सालार मूवी को कहीं ना कहीं सुपरस्टार यश की मूवी KGF के साथ जोड़ा जाएगा। अब इस फिल्म को सुपरस्टार यश की फिल्म KGF के साथ कैसे जोड़ा जाता है, ये दोस्तों शायद हमें प्रभास की सालार के टीजर में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आप भी सालार मूवी का टीजर देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो आप अपनी एक्साइटमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।